गोविंदगढ़ कस्बे में पिनच वाले हनुमान की 2 बीघा 17 बिस्वा जमीन पर भूमाफियाओं ने रातों रात कब्जा कर 4 दीवारी कर डाली। जमीन को ग्राम रामबास के सैनी समाज के एक जागीरदार ने मंदिर बनवाकर दान में दी थी। मंदिर में सेवा पूजा के लिए महंत भी रख दिया। मंदिर के महंत ने मौका मिलते ही इस जमीन को अपने नाम करवा लिया और इंतकाल भी खुलवा लिया। उसके बाद पुजारी की दूसरी पीढ़ी ने उस मंदिर पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। मंदिर के आगे बने चबूतरों पर कमरे बनाकर उसमें शटर लगवाकर दुकानें बना दी और उन दुकानों को किराए पर उठा दिया। दुकानों के बनने पर भी दानदाताओं की ओर से विरोध किया गया। बाद में मंदिर के आसपास की जमीन को भी किराए पर उठा दिया गया। कुछ समय पूर्व पुजारी की ओर से मंदिर की जमीन की गोपनीय तरीके से रजिस्ट्री करवा ली, जिसकी जानकारी मिलने पर गांव ने विरोध किया और जयपुर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन दिया। इस मंदिर को देवस्थान विभाग को सौंपने और इस जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ाने की अपील की, जिस पर मुख्यमंत्री ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रेवेन्यू विभाग को तलब किया व न्याय संगत की बात कही। उसके बाद उस ज्ञापन को लेकर सैकड़ों ग्रामीण तहसील परिसर में उपखंड अधिकारी हेमराज गुर्जर से मिले। उपखंड अधिकारी ने न्याय का भरोसा दिलाया। उसके बाद भी भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद रहे और भूमाफियाओं ने प्रशासन से मौन सहमति लेकर मंदिर की जमीन पर रातों रात धन बल के साथ 4 दीवार कर दी और एक साथ 4-5 JCB लगाकर पूरी जमीन को समतल कर दिया। रातों में ही उस जमीन पर सब्जी बेचने वालों के खोखे भी खेतों में फेंक दिए और दबंगइयों ने उनका सामान भी JCB से उसी जमीन में दफन कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में उपखंड अधिकारी को इस मामले की रिपोर्ट दी गई थी और रेवेन्यू अपील अधिकारी के यहाँ इस मामले की सुनवाई 23 मार्च को होनी है। उसके बाद भी प्रशासन ने इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। प्रशासन ने अपनी मौन सहमति प्रदान कर दी, जिसके चलते रातों रात दबंगों ने मंदिर की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया। शैलेंद्र कुमार, ग्रामवासी रामबास, जो आज हम एकत्रित हुए हैं ये पिनच वाले मंदिर के संबंध में SDM साहब, जिलाधीश महोदय को और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, देवस्थान विभाग अलवर और SDM साहब को ज्ञापन देने आए हैं। वजह क्या है कि ये मंदिर जागीरदारी के समय मंदिर के लिए दी गई थी और उसके बाद में मंदिर के पुजारियों के द्वारा मंदिर का बेचान किया गया है और जिसमें दो व्यक्ति हैं, मोनू सनोफ घनश्याम और रोशन सनोफ धर्म सिंह, तो इन्होंने ये बेनामा करा लिया और बेनामे पर SDM जिलाधीश महोदय गोविंदगढ़ के यह प्रकरण चल रहा है, उसमें स्टे जारी है और स्टे हमारा बरकरार जारी रहना चाहिए। हमें न्याय की उम्मीद को लेकर यहाँ आए हैं, हमें अंदेशा है और अंदेशे पर ये जो भूमाफिया है पूरे साज बाज के साथ में इस मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं, तो हम इस अंदेशे को लेकर यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और हमने मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब के नाम भी ज्ञापन देने आए हैं। तो हमारी समस्या यह है कि ये मंदिर की जमीन मंदिर के नाम बनी रहे और इसमें किसी तरह का अवैध अतिक्रमण और इसका खरीद फरोख्त न हो। कितनी जमीन है इस पर? ये 2 बीघा 17 बिस्वा जमीन है जो ये बरकरार बनी रहनी चाहिए और ये आस्था का प्रतीक है मंदिर और ये गोविंदगढ़ इलाके की भावनाओं का पूर्ण सामंजस्य है और यहाँ लोग इतने धर्म के आस्तिक हैं और यहाँ मंदिर पर आते हैं, इसलिए ये मंदिर की जमीन मंदिर के नाम बनी रहे। हम इसी के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये ज्ञापन हमने दिया है।